सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आइगर अकबाने हैं, जो कि बेब्लेड बस टर्बो का मेन कैरेक्टर है जिसको आप सब जानते होंगे, अगर वो जो है बेब्लेड बस टर्बो में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अगर आइगर जो है पैदा ही नहीं हुआ होता तो बेब्लेड बस के यूनिवर्स में क्या बदलाव पड़ता। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जो पहला चेंज है जो कि बेब्लेड बर्स्ट के यूनिवर्स में होता आइगर के एग्जिस्ट ना करने से, वो ये होता कि यार जो वॉल्ट है उसको अपना टर्बो बेब्लेड कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि यार जो बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के फर्स्ट एपिसोड में जो है वॉल्ट जो है वो फॉरेस्ट में गुम हो गया था, एंड उसके बाद जो आइगर है वही वॉल्ट को रास्ता दिखाता है अपना घर का, एंड जो वॉल्ट है उसको वहाँ से अपना टर्बो टर्बो ब्लेड मिलता है एंड आइगर से वो बैटल भी करता है। तो यार आइगर के एग्जिस्ट ना करने से जो वॉल्ट है वो शायद उस जंगल में गुम हो जाता एंड शायद उसको अपना टर्बो बेब्लेड कभी मिलता ही नहीं। तो यार जो वॉल्ट है उसका स्ट्राइक वेल्ट्रियक के साथ बॉन्ड जो है वो और बढ़ता, क्योंकि आपको पता होगा कि यार जो स्ट्राइक वेल्ट्रियक है जो कि बेब्लेड बस्ट एवोल्यूशन के लास्ट में भी दिखाया गया था, वो हमें ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखाया गया, वो बस वॉल्ट ने तुम कह सकते हो दो मेजर बैटल्स में यूज़ किया था, जो कि था फ्री डलाहोया के खिलाफ एंड शू कुरनाई के खिलाफ। तो जो स्ट्राइक वेल्ट्रियक है उसके हमें कुछ और बैटल्स देखने को मिलते एंड टर्बो बेब्लेड्स एग्जिस्ट नहीं करते। देखो जो टर्बो बेब्लेड्स है वो आइगर के डैड टाइगर अकबाने ने बनाए थे, एंड अगर आइगर एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड वॉल्ट वहाँ पे जाता ही नहीं, उसको मिलता ही नहीं जो टाइगर अकबाने का घर है, तो यार जो टाइगर अकबाने हैं वो भी अपना नॉर्मल लाइफ जीता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ आइगर को रिमूव कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स एंड बाकी फैमिली मेम्बर्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बहन भी जो है जिंदा रहेगी एंड एग्जिस्ट करेगी, बट उसका कोई रोल, माइनर रोल भी नहीं होगा बेब्लेड बर्स्ट के यूनिवर्स में या टर्बो के स्टोरी लाइन में कह सकते हो। सो यार जो सेकेंड चेंज होता वो ये होता कि यार जो फाइव रोमी है, आपको पता होगा बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का जो मेन एंटागोनिस्ट था, वो आइगर से मिलता नहीं, ऑब्वियसली आइगर पे उसका इंटरेस्ट काफ़ी था, इंस्टेड वो जो है वॉल्ट आवोई को अपना टारगेट बनाता एंड वॉल्ट से जो है बैटल करता। आपको पता होगा कि यार जो बैटल शिप क्रूज है उधर जो फाई है उसने वॉल्ट से बैटल करने का जो मौका है उसको छोड़ दिया था, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बैटलिंग विथ वॉल्ट। बट यहाँ पे अगर आइगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फाई है वो शायद वॉल्ट से बैटल करता एंड उस मैच को देखने में हमें काफ़ी मज़ा आता एंड वॉल्ट वर्सेस फाई होता, काफ़ी मज़ा आता यार देखने में, टू बी ऑनेस्ट। तो जो थर्ड चेंज है वो ये होता कि यार जो सुओ है, जो बेब्लेड बस टर्बो में हमें दिखाया गया था, जो कि तुम कह सकते हो लुई को काफ़ी एडमायर करता था, तो वो लुइनोर कप में जो है लुई से बैटल करता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुओ है वो आइगर से हार गया था फाइनल बैटल में लुइनोर कप के। तो जो सुओ रहता वो लुई शिरोसागी से बैटल करता एंड मोस्ट प्रोबेबली वो हार जाता लुई शिरोसागी से। तो यार जो लुई शिरोसागी है वो जीत जाता एंड लुइनोर कप का विनर कोई भी नहीं रहता, बिकॉज जो लुई है वही जीत जाता। यहाँ पे हमें तीन मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते थे। पहला जो है स्ट्राइक वेल्ट्रियक के साथ वॉल्ट का बॉन्ड ज़्यादा बढ़ता, सेकंड जो है वॉल्ट वर्सेस फाय हमें देखने को मिलता एंड थर्ड जो चीज़ है लुइनोर कप का विनर शायद कोई और होता या लुई ही होता। ये जो तीन चेंजेस है ये होते एंड जो वॉल्ट वर्सेस फाय का बैटल है वो शायद वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल हो सकता था बेब्लेड बस्ट के यूनिवर्स में इफ आइगर डिडंट एग्जिस्टेड। हाँ जो आइगर है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सारे चेंजेस होते एंड शायद हमें डार्क पावर भी देखने को ना मिलती बेब्लेड बस्ट टर्बो में, एंड ओवरऑल जो बेब्लेड बस्ट टर्बो की स्टोरी लाइन रहती वो दो तरीके से रिवॉल्व कर सकती थी। पहला क्या होता कि यार जो वॉल्ट आवोई है उस पर ही रिवॉल्व करती जो स्टोरी लाइन रहती, वो जो है वर्ल्ड चैंपियन था, आपको पता होगा बेब्लेड बस्ट टर्बो में, तो वो जो है बेब्लेड बस्ट टर्बो में वर्ल्ड चैंपियन रहता एंड उसके जो है मैचेस हमें दिखाए जाते बाकी टॉप बेब्लेडर्स के साथ, जो टॉप बेब्लेडर्स थे उस टाइम शू कुरनाई, फिडेलाहोया, लुई शिरोसागी, इनके साथ हमें बैटल दिखाया जा सकता था एंड वॉल्ट और लुई का शायद एक रीमैच हमें देखने को मिल सकता था बेब्लेड बस्ट टर्बो में। आपको पता होगा पहले मैच में उनका स्टेडियम टूट गया था, तो सेकेंड टाइम शायद बैटल होता आइगर के एग्जिस्ट ना करने से, क्योंकि जो स्टोरी लाइन रहती वो अलग हो जाती एंड शायद जो स्टोरी लाइन रहती वो ओपी हो जाती या सेकेंड वे में हम कह सकते हैं खराब हो जाती, क्योंकि जो फाई रहता अगर वो हार जाता पहले में ही तो यार स्टोरी लाइन देखने में आई थिंक मज़ा नहीं रहता। बट अगर आइगर एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टोरी लाइन को शायद और दूसरे तरीके से रिवॉल्व कराया जा सकता था। वेट, आई फॉरगॉट टू ऐड द फोर्थ पॉइंट।
तो यार जो वॉल्ट आओई है, आपको पता होगा वो बेब्लेड बस टर्बो में वर्ल्ड चैंपियन था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जो वॉल्ट रहता ना, वो ज़्यादा टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन रहता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वॉल्ट है वो लास्ट एपिसोड के फेवरेट बस्टर बुक के लास्ट एपिसोड में आइगर से हार गया था बिकॉज ही वॉज द मेन कैरेक्टर। बट इस स्टोरी लाइन में जो वॉल्ट है वही मेन कैरेक्टर है, तो वो फेवरेट बस्टर बुक के लास्ट में जो है किसी और ब्लेडर से बैटल करता, जो न्यू ब्लेडर्स रहता है आई थिंक, या कोई ओल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर रहता उससे जो है वॉल्ट बैटल करता। एंड जो वॉल्ट है वो काफ़ी टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन रहता, एंड बेब्लेड बस ट्राइज स्पार्किंग क्वाड स्ट्राइक में भी वो वर्ल्ड चैंपियन ही रहता, कोई और ब्लेडर बचता ही नहीं जो कि वॉल्ट का टाइटल ले सके। तो हाँ, जो वॉल्ट है वो ज़्यादा टाइम तक वर्ल्ड चैंपियन भी रहता। सो हाँ यार, आइगर के एग्जिस्ट ना करने से ये सारे चेंजेस होते एंड कुछ और माइनर चेंजेस हो सकते थे। सो हाँ यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।